नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियली ऐप के अंदर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे एग्रोनॉमी का, एग्रीकल्चर का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अध्यावन सस्य विज्ञान मृदा व बीज। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ओके, उसके बाद हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम बीज के बारे में पढ़ेंगे। सो ये आज हमारी क्लास फर्स्ट है। आप अच्छे से अपने नोट्स बनाते हुए चलना। आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू करना है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, उसके बाद में आपको मैं पर्सनली आपके लिए लाइव क्लासेज में, लाइव डाउट क्लास में आपको मैं और पर्सनली गाइड कर दूंगा। बेसिक सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको अभी क्या करना है, तीनों सब्जेक्टों की क्लास आपको मिला करेगी ऐप के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट के कॉपी बना लेनी है, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, तीनों के नोट्स बना लेने हैं। और अब आपको क्या करना है, ऐप के अंदर तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी ही, लेकिन आपको अपने हिसाब से अपने लेवल पे भी क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो। दूसरी बात, मुझे आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद है। आप लोगों ने बैच का नाम भी देखा होगा, मेरिट बैच है, मतलब ये जो बच्चे जो आप लोग अभी जुड़ते हैं इनसे मेरा टारगेट रहता है, मेरा एक वो रहता है, उम्मीद रहती है कि ये अच्छी रैंक लेके आएंगे, अच्छी परसेंटेज बनाएंगे और आप पे मैं पूरा फोकस रखता हूँ कि अच्छे नंबर्स आप लेके आए, ओके। इसके साथ आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आप उनको भी जोड़ सकते हैं, जो सीरियसली हैं पढ़ने में, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों को कुछ अलग तरीके से मैं पढ़ाऊँ, कुछ अलग एक्स्ट्रा चीजें आपको दूंगा ताकि आप अच्छे नंबर लेके आ सकें। सो आपको क्या करना है, एकदम से सिर्फ वीडियो को नहीं कि हाँ मोबाइल रख दिया, सोते सोते देख रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, नहीं, मोबाइल को स्टडी टेबल पर रखें और पेन कॉपी लेके बैठे। यहाँ इधर मोबाइल रखा हुआ है, मैं जो भी बोर्ड पे लिखूंगा उसके साथ साथ आपको उसको लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अपने सेल्फ नोट्स बनाते हुए चलना है। हालांकि मैं मेरी तरफ से भी कंप्लीट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, वो सारी चीजें आपके अंदर अवेलेबल करवाऊंगा, लेकिन आपको अपने लेवल पे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब आप लिख के याद करोगे तो आप लंबे समय तक उस चीज को याद रख सकते हो, ओके। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सो आज का हमारा क्लास का टॉपिक है सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, देखिए पिछली क्लास में हम अगर बेसिक एग्रीकल्चर की बात करते हैं, बेसिक एग्रीकल्चर हम पढ़ जाते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जो एग्रोज और नोमोस से मिलकर बना है। इस प्रकार से उसमें उसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसकी एग्रीकल्चर की तीन शाखाएं होती हैं, मेजरली तीन शाखा होती है। कुल शाखाओं की अगर हम बात करते हैं तो 14 शाखाएं होती हैं, जिनमें से मेजरली थ्री ब्रांचेज होती हैं, तीन शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो एग्रोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। एग्रोनॉमी जो होता है वो एक ग्रीक वर्ड है जो एग्रोज और नोमोस से मिलकर बना है। किससे? एग्रोज प्लस नोमोस से मिलकर बना होता है। एग्रोज का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब फील्ड का मतलब क्या होता है, खेत, और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रबंधन। क्या मतलब होता है, प्रबंधन। मतलब एग्रोनॉमी के अंतर्गत, सस्य विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, खेत या खेत के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी का हम प्रबंधन करते हैं, उन सभी का मैनेजमेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। सो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, अब देखो खेत के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, खेत के अंदर दो चीजें आती हैं, आपको यहीं पे इसकी परिभाषा समझ लेनी है। खेत के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो आता है हमारा फसल, हम क्या करते हैं, खेत के अंदर फसल उगाते हैं, फसल लगाते हैं, और दूसरी चीज आती है हमारी, उस खेत के अंदर क्या होती है, फील्ड में मृदा होती है। मतलब हम अगर खेत के अंदर जो लगने वाली फसल है या फसल से जो उत्पादन प्राप्त होने वाला है वो फसल उत्पादन, और उसमें जो मृदा है उसका अच्छे से अगर प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एग्रोनॉमी कहलाएगा, सस्य विज्ञान कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, सस्य विज्ञान। और ये सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी जो है वो कहां से आया है, ये हमारे एग्रीकल्चर की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर की। तो इसकी परिभाषा क्या बन सकती है, आपको यही याद करनी है, परिभाषा ये बन सकती है कि एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान जो है वो कृषि विज्ञान की एक शाखा है, या वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, ठीक है, जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन तथा उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं, सस्य विज्ञान कहते हैं। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ, सस्य विज्ञान का सीधा सा मतलब आप लोगों को भी इतना तो कॉमन सेंस ने आपको पता ही है, देखो बिल्कुल तो एकदम जीरो हो नहीं हो, कुछ नॉलेज तो आपको है ही है। तो आपको एग्रोनॉमी में हमें ये तो पता है कि हम भाई सर इसमें हम फसलों के बारे में जानते हैं, ये तो आपको पता है, मुझे भी पता है कि आप ये अच्छे से जानते हो। अब फसल कहां से उगेगी, फसल डायरेक्ट उगेगी है नहीं, फसल के लिए हमें क्या जरूरत होती है, मृदा की जरूरत होती है कि नहीं। तो इन दोनों चीजों की ही हमें क्या होती है,
आवश्यकता होती है। और इसी चीज के बारे में जानना, इसी को मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है, सिंपल सी बात। लेकिन अब वहां पे हम एक लाइन में नहीं लिख के आएंगे, एग्जाम में हमें थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से उसको सजा धजा के लिखाना है। तो क्या लिखना है कि एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन तथा मृदा प्रबंधन व इससे संबंधित अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सस्य विज्ञान कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरी लाइन में आपको क्या लिखना है कि एग्रोनॉमी जो है वो एक लेटिन, अब आपके बुक एनसीईआरटी में अलग दे रखा है कि ये लेटिन वर्ड एग्रोनॉमिया से मिलकर बना है, फिर उसमें अलग है, आप शॉर्टली लिखना, उस पर भी ध्यान मत देना, वो भी सही है, आप मैं जो बता रहा हूं इस पे ध्यान देना, ये शॉर्ट एंड स्वीट आगे तक काम आएगा। कि एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है जो एग्रोस तथा नोमोस से मिलकर बना है, जिसमें एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट या प्रबंधन। ठीक है, ये दो लाइन हो जाएंगी, तीन लाइन इसकी और दो लाइन इसकी, पांच लाइन, ये हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। मुझे बोर्ड पे लिखने की तो जरूरत नहीं है, समझ गए ना आप लोग। ओके चलिए, तो ये तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। अब हम परिभाषा के बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है कि इसका किसका सस्य विज्ञान हम पढ़ रहे हैं बेटा, सबसे आज का टॉपिक हमारा क्या है, सस्य विज्ञान को पूरा करेंगे। तो सस्य विज्ञान हम पढ़ रहे हैं कि इसका कृषि में महत्व क्या रहता है, या फिर कृषि के अंदर और अन्य क्षेत्र क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, कृषि में महत्व व क्षेत्र। देखिए एग्रोनॉमी जो होती है इसको हम सस्य विज्ञान को कला विज्ञान व व्यवसाय के रूप में जानते हैं, कला विज्ञान और व्यवसाय के रूप में जानते हैं। मतलब इसमें क्या है कि ये कला है, एक आर्ट है जो हमें एक्सपीरियंस करने से आती है, और विज्ञान का मतलब क्या है कि हमें इसमें नॉलेज होनी चाहिए कि फसल के अंदर हमें फसल की बुआई किस समय पर करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, ठीक है, खरपतवार नाशी हमें कौन सा डालना है, कीटनाशी कौन सा डालना है, उर्वरक कौन सा डालना है, वो सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। और व्यवसाय, इनके द्वारा जब हम फसल उत्पादन करते हैं तो हमें रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, हम उद्योग भी इसके द्वारा लगा सकते हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं इनमें हम कच्चे माल के रूप में भी इनके बाय प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो व्यवसाय के रूप में भी इसको हम जानते हैं। तो सस्य विज्ञान जो होता है इसको कला विज्ञान और व्यवसाय के रूप में जाना जाता है, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, हमारी सस्य विज्ञान है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि सस्य विज्ञान में जल वायु तथा भूमि और पौधे के वातावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का अध्ययन और अनुसंधान किया जाता है। सेकेंड चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जल वायु वातावरण, ठीक है, कौन कौन सी है इसमें, जल वायु भूमि व पौधे के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक, पौधे के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में अनुसंधान किया जाता है, रिसर्च। अनुसंधान का मतलब क्या होता है, रिसर्च की जाती है इसमें, ठीक है। एग्रोनॉमी में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान क्या है, कला विज्ञान और व्यवसाय का एक कॉम्बिनेशन है, इन सभी का एक मिक्स रूप है। सेकेंड चीज हमें यह समझाती है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें अब की जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पौधे के आसपास हमें घूमना होता है कि जल, जल के बारे में कि भाई जल, सिंचाई जल और ये सब हो गया, पौधे के लिए पर्याप्त है कि नहीं, सही है कि नहीं, कहीं अम्लीय क्षारीय जल तो नहीं है, ठीक है। वायु के बारे में, भूमि और पौधे के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी के बारे में सस्य विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि पौधे को, ताकि अब इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे, वो क्यों करेंगे, ताकि पौधे को एक उचित वृद्धि प्राप्त हो सके, क्योंकि सस्य विज्ञान में हम क्या करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, ठीक है, फसलों का उत्पादन करते हैं। अब उस फसल को उगने से संबंधित जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी उसके कारक हैं, उन सभी के बारे में
इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब उस फसल को उगने में जल प्रभावित करती है, वायु प्रभावित करता है, मृदा प्रभावित करती है या कोई अन्य फैक्टर कार्य कर सकता है, ठीक है, अन्य कारक प्रभावित करता है, तो इन सभी कारकों के बारे में इसमें सस्य विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। उसके बाद में जो इसमें सभी से अध्ययन करते हैं, ये क्लियर हो गया, मतलब सस्य विज्ञान के द्वारा भूमि प्रबंधन, अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, इसमें भूमि प्रबंधन, बीज बुवाई, मतलब उस फसल, आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट दिमाग में बिठाना है कि सस्य विज्ञान मतलब मैं फसल को उगा रहा हूं, ठीक है, या उगा रही हूं, तो फसल को शुरू से लेकर और जब तक वो पक नहीं जाती है, जब तक उसका उत्पादन प्राप्त नहीं हो जाता है, इसके बीच में जितनी भी उसमें क्रियाएं की जाएंगी, या खेत में हम फसल की बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक, इसके बीच में जितनी भी उस खेत के अंदर कर्षण क्रियाएं की जाएंगी, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाएंगे, जो भी उसमें क्रियाएं करते हैं, जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी क्रियाएं, सारी एक्टिविटीज किसके अंतर्गत आती हैं, इस एग्रोनॉमी के अंतर्गत आती है, उस मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट होता है ना इसका मतलब, तो उस फील्ड के मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। तो कहां से शुरू होता है, भूमि प्रबंधन, ठीक है, भूमि प्रबंधन, बीज, खाद व उर्वरक, बीज बुवाई, खाद व उर्वरक, पोषक तत्व उसको प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, खरपतवार नाशी, कीटनाशी, ठीक है, और क्या बच गया, खरपतवार नाशी, कीटनाशी, पौध, हाँ ये सब हो गया, इन सभी के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, इन सभी के बारे में, आदि के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आप नोट डाउन कर दो, चलना आपके पेरेंट्स से मैं पूछूंगा कि बेटे ने नोट्स बनाए, बेटे या बेटी ने, गुड़िया ने नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रामायण सुन रहे हो, और बाकी डिटेल में नोट्स जो हैं वो ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे, बट ये शॉर्ट से शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसको आप साथ में लिखते हुए जरूर चलो, है ना, या वीडियो को रोक के आप लिख सकते हो आराम से। क्लियर हो गया, सबसे पहले हमने आज इसमें खत्म नहीं हुई क्लास डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने पढ़ा है कि इसका महत्व क्या है या फिर किस प्रकार से कार्य करती है। तो सस्य विज्ञान जो है वो एक कला, विज्ञान और व्यवसाय का अवसर है, ठीक है, व्यवसाय के रूप में जानते हैं इसको। इसके अंतर्गत हम जल, वायु, भूमि, पौधे के वातावरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उनको कार्यों के बारे में अध्ययन या अनुसंधान किया जाता है, और इसके अंतर्गत खेत में कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया है कि खेत में जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, फसल की बुवाई से लेकर उसकी कटाई तक जितनी भी उसमें एक्टिविटीज की जाती हैं, जितनी भी कर्षण क्रियाएं की जाती हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं, हमारी एग्रोनॉमी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे लिखा है, जैसे कि भूमि प्रबंधन, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी फसल को बो रहे हैं तो सबसे पहले हमें भूमि का प्रबंधन करना जरूरी है, जल्दी बोल रहा हूँ ना, भूमि का प्रबंधन मतलब उसमें खेत को तैयार करना जरूरी है। आपने देखा होगा हम खेत में 3 से 4 गर्मियों में गहरी जुताई करते हैं, क्यों करते हैं गहरी जुताई, इसलिए करते हैं ताकि गहरी जुताई करने में क्या होता है, पहली बात जितने भी खरपतवार के जो बीज जो मृदा में नीचे दबे हुए हैं वो सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर आते ही वो गर्मी में कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो जितने भी बीज हैं वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन होता है कि मृदा के अंदर जितने भी हानिकारक कीट वगैरह हैं या फिर उनके अंडे वगैरह हैं, दीमक वगैरह ये सब होती है ना, तो अंडे ये सब नीचे रहते हैं तो वो सब भी क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे, ये भी मर जाएंगे। खरपतवार खत्म हो गए गहरी जुताई करने से, कीटों का नियंत्रण हो गया, ठीक है, रोगों पैथोजेंस के जो अंडाणु वगैरह होते हैं वो भी मर जाते हैं। और तीसरा बेनिफिट कि मृदा की ऊपरी सतह में अगर हम कोई फसल लेते हैं तो क्या होता है कि ऊपरी सतह में उपस्थित जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे उस फसल ने ग्रहण कर लिया। अब नीचे सारे के सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, ऊपर के सारे खत्म हो चुके हैं, तो पलट दिए तो क्या होगा, निचली सतह में पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में थे वो ऊपर आ गए और ऊपरी मृदा में जो कम थे वो मृदा नीचे चली गई। तो इस प्रकार से हमारी मृदा में पोषक तत्वों का एक चक्र बन गया है और नई एक तरीके से नई मृदा बन गई हमारी। तो इसलिए हमें खेत को तैयार करना चाहिए, गहरी जुताई उसमें हमें करनी चाहिए ताकि गहरी जुताई के कई सारे लाभ होते हैं, ठीक है। खेत में गर्मियों में गहरी जुताई करके उसमें पाटा लगा देते हैं, पाटा इसलिए लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, देखो हर चीज का कंसेप्ट है, हमारे किसान भाई जो भी काम करते हैं हमें लगता है वो नॉर्मल काम है लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक कंसेप्ट जरूर जुड़ा हुआ है। पाटा इसलिए लगाते हैं ताकि मृदा के अंदर जो नमी है वो बनी रहे, है ना, मॉइस्चर जो है सॉइल के अंदर, सॉइल मॉइस्चर जो है वो कंजर्व रहे, वो इकट्ठी रहे, इसलिए हम पाटा लगाते हैं उसमें, ओके। तो इस प्रकार से भूमि को तैयार करते हैं, फिर बुआई करेंगे, बुआई के बाद में फिर उसमें खाद, बीज और उर्वरक डालते हैं, है ना, फिर पोषक तत्व जितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो डालते हैं, खरपतवार अगर कोई लग गया तो उसके लिए हम रसायन डालेंगे जिनको हम खरपतवार नाशी कहते हैं, हर्बिसाइड्स,
कीटनाशी है, रोगनाशी है, इन सभी को हम इसमें डालते हैं। सभी आदि के बारे में जानकारी मिलती है, सभी को सम्मिलित किया गया है किसके अंतर्गत, सस्य विज्ञान के अंतर्गत। समझ में आ गया, फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा सा डीपली पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकली ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, बोर मत हो जाना, ठीक है भाई। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसका कि इसके महत्व क्या क्या है सस्य विज्ञान के, है ना। तो कई सारे महत्व हैं, कई क्षेत्रों में इसके महत्व हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में महत्व, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं महत्व और क्षेत्र, तो महत्व तो पढ़ ली, ये महत्व हैं, अब किन क्षेत्रों में इनके महत्व हैं उन क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक चीज मैं और कहना चाहूंगा बेटा कि हो सकता है तो अभी क्लासेज स्टार्ट हुई है, नए बैच स्टार्ट हुए हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर जोड़ें, क्योंकि आप डेफिनेटली 11th क्लास में जहां भी पढ़ते थे, जिस भी कोचिंग में, जिस भी स्कूल में, आपके काफी सारे दोस्त होंगे, तो आप उनसे भी एक बार जरूर कहना गोविंदम क्लासेज के बारे में, गोविंदम ऐप के बारे में, कि भाई एक बार वहां पे जाके जरूर देखें, कहीं भी जाएं, फीस जमा कराओ उससे पहले एक बार जरूर देख लें, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आपको साल भर तक मैं कनेक्टिविटी दूंगा, पर्सनली आपको मेंटरशिप दूंगा, अच्छे से आपकी तैयारी कराऊंगा, एक एक चैप्टर के एक लाइन को अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये इसमें मुझे खुशी मिलती है, है ना। आप सोचोगे सर आपको क्या मिलता है, पेमेंट वगैरह आप करा रहे हो, फीस आती है, वो तो ठीक है, वो तो हमारे यही मेंटेनेंस के लिए खत्म हो जाती है, क्योंकि फीस बहुत कम रखता हूं, लेकिन मुझे खुशी मिलती है, मेरी एक इच्छा है कि मैं आने वाले टाइम पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक नए इंसान के रूप में बना के देखना चाह रहा हूं, क्योंकि आजकल जो हो रहा है वो सब आप ही को पता है किस तरीके का है। तो मैं आपकी सिर्फ पढ़ाई में ही हेल्प नहीं करूंगा, या फिर पढ़ाई में ही आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, गाइड नहीं करूंगा, पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल आपकी पर्सनलिटी डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, उन सब चीजों में भी मैं हेल्प करने वाला हूं, ताकि ओवरऑल आपकी ग्रोथ हो, है ना, ऑलराउंडर आप बनकर यहां से निकलो, तो वो मेरी कोशिश रहती है। और इसमें मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस मिशन में भाग लें, क्योंकि मैं अपने इंडिया में एक अच्छा एजुकेशन जो सिस्टम है वो क्रिएट करना चाहता हूँ, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहता हूँ, जो हमारे पूर्वजों ने जो पहले जो पढ़ते थे, जो रियल एजुकेशन जो होती है वो क्या होती है, क्यों हम एजुकेशन देते हैं, हम ये जो पढ़ाई कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब, क्योंकि इसमें मेरी पर्सनल स्टोरी है। पिछले कुछ दिन 2-3 साल तक मैंने एक ऐसी जगह रहा हूँ जहाँ पे मैं इस दुनियादारी से, इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग हो गया था, जिसको हम गुरुकुल कह सकते हैं, आश्रम कह सकते हैं, उस टाइप की जगह पर रहा हूँ, और वहां पे जाके मैं जब रहा था इन सब चीजों को छोड़ के, तब मैंने एक रियल चीज देखी थी कि हमें आजकल जो पढ़ाई कराई जा रही है वो क्या कराई जा रही है, और हमारी नीड क्या है, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें, और सबसे मेन बात कि आप अपने आप को जाने, अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए। और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा ऐसा बने जो अपने लक्ष्य को जाने, अपने आप को डिस्कवर करे, अपने आप के बारे में जाने, अपनी प्लस पॉइंट्स, अपने माइनस पॉइंट्स के बारे में जाने, और आगे चल के एक अच्छा, एक महान इंसान बने। इसलिए मेरी इतनी कोशिशें रहती हैं ताकि मैं हर एक को अच्छा बना सकूं। तो अब इसको मैं अकेला तो कर नहीं सकता, मुझे आप लोगों का साथ जरूरी है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस मिशन में, इस मुहिम में अपने साथियों को जरूर जोड़ें। फीस मैं बहुत कम रखता हूं, इतना रखता हूं कि जिससे हमारा जो ऑफिस का खर्चा है, जो आपको जो अदर चीजें मिलती हैं, टेक्निकल टीम हमारी जो है, स्टाफ वगैरह है, उनका खर्चा निकल जाए, इसलिए इतनी फीस रखते हैं, ज्यादा भी नहीं रखते हैं, और इतना भी कम नहीं कि मैं भी घाटे में चले जाऊं। तो नॉर्मल फीस, मिनिमम फीस, नाममात्र फीस में आपको कोर्स मिलता है। तो आप अपने दोस्तों को जरूर गाइड करें, उनको मोटिवेट करें, उनको बैच में जुड़ने के लिए गाइड करें, वो बैच में जुड़ें। डेमो क्लासेस यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी डाल रखी है, वहां से देख सकते हैं, या फिर आप बता सकते हो आपको अगर पसंद आ रही है, तो आपको अगर कोई कमी लगती है तो वो मुझे बता सकते हो, मैं और उसमें इंप्रूव करके आपको दूंगा, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को जरूर जोड़ना बेटा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं महत्व के बारे में, कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या महत्व है। तो इसके 4 क्षेत्रों में महत्व है। सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है कृषि उत्पाद में। कृषि उत्पाद में, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इसमें नियोजन में, तीसरा है व्यवसाय में, और चौथा है उद्योग में। ओके, तो अभी तक हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया था, एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं कि उनका एग्रोनॉमी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सस्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो फसलों के बारे में हम जो पढ़ते हैं, इन फसलों को हम आगे कहां कहां पे, किन किन क्षेत्रों में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसका क्या क्या फायदा है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 4 क्षेत्रों में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है, 4 क्षेत्रों में इसके स्कोप है, हम यूं कह सकते हैं इसके स्कोप क्या क्या है। तो सबसे पहला है इसमें कृषि उत्पादन में। अब देखिए कृषि उत्पादन में क्या हो जाएगा, ये थ्योरेटिकली पॉइंट है, हमारे एग्जाम में भी ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिकली अपना बेस बनाने के लिए आप इसको समझ लीजिए।
कृषि उत्पादन में क्या क्या आ जाता है कि देखो, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमारे लिए क्या होता है, फसल उत्पादन बहुत जरूरी है, या जिसको हम खाद्यान्न उत्पादन कह सकते हैं। क्या जरूरी है? फसल उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन जो है हम हमारे लिए तो करेंगे ही, लेकिन साथ में इसमें हम क्या कर देते हैं, इसकी उत्पादकता, उत्पादकता को बढ़ाते हैं। ये उत्पादकता हमारी क्या करती है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है देश की उसको सुधारती है। किसको सुधारती है? हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है उसको इंप्रूव करती है, उसको सुधारती है। भाई मेरे पास में 1 हेक्टेयर खेत है, 1 हेक्टेयर छोड़ो, 1 एकड़, 1 बीघा खेत है, जिसमें सपोज करो कि 1 बोरी गेहूं निकले हैं, या मेरे पास में 5, मेरे को जरूरत है 1 बोरी गेहूं की, जिसमें मेरे साल भर का मेरे पास जो गाय भैंस उनका उनके लिए काम हो जाएगा और मेरे खाने पीने के लिए भी काम हो जाएगा। लेकिन मेरे पास जो जमीन है उसमें से क्या हो रहा है, 5 बोरी गेहूं मुझे उत्पादन प्राप्त होता है, तो अब 4 बोरी का क्या करूंगा, मैं बेचूंगा, बेचूंगा तो मेरे लिए पैसा आ गया, अर्थव्यवस्था बन गई मेरी। लेकिन यहाँ पे हम अपने इंडिया में क्या हो रहा है, अपने अपना जो एनवायरमेंट है वो ऐसा कि यहाँ से हम फसलों का उत्पादन और बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम प्रोडक्शन करते हैं बाहर के देशों में, है ना, बाहर, वहां पे मिट्टी सही नहीं है उनकी, वहां पे नहीं मिल पाती, सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो उनको उन चीजों की नीड है, तो हम यहाँ से उनको वो चीजें बेचते हैं, जिससे अब वो हमें क्या देते हैं, पैसा देते हैं, तो उनका पैसा हमारे देश में आ रहा, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो क्या हो रही है, सुधर रही है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कृषि के उत्पादन में खाद्यान्न उत्पादन जो है उनको हम बाहर बेचते हैं, जिससे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो सुधरती है। उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसका है, एग्रोनॉमी का है, क्योंकि फसल उत्पादन और इन सब के द्वारा मिलता है। ओके, तो इसमें इसके बारे में डिटेल में है, ज्यादा हमें नॉलेज में नहीं है, बेसिक चीज आप यहाँ समझ लीजिए, और थ्योरी में जो नोट्स हैं वहां पे मैं इसकी थ्योरी जो है वो ऐड कर दूंगा। उसके बाद सेकंड आता है नियोजन में। नियोजन का मतलब क्या होता है, रोजगार उपलब्ध कराना। नियोजन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में इंप्लीमेंट करना। अब किसी चीज में इंप्लीमेंट करें तो वहां पे हमें क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। जैसे कि जो जितने भी कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेज वगैरह हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे शोध का कार्य होता है, शोध मतलब रिसर्च का वर्ग होता है, ठीक है, रिसर्च का काम होता है इन पर, और इनके द्वारा फिर इन पर जो रिसर्च वर्क करते हैं वो आगे चल के ऑफिसर या फिर जो भी आगे बनते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें बनते हैं नियोजन में, उनके बारे में बता देता हूं मैं, ठीक है। तो हमारे राष्ट्र में वर्तमान में अनेक कृषि विश्वविद्यालय या कृषि शोध तथा प्रसार में कर रहे हैं, जहां पर मानव संसाधन को विकसित किया जाता है, मानव के संसाधनों को विकसित किया जाता है। कौन कौन से हैं, जैसे कि हम क्या क्या चीजें इसके द्वारा बन सकते हैं, सबसे पहला है इसमें कृषि में शिक्षण अनुसंधान या प्रसार, प्रसार कृषि में शिक्षण कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ा सकते हैं, शिक्षण अनुसंधान और प्रसार का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सेकंड है बैंक में कृषि सलाहकार बन सकते हैं, आपने देखा ना, सुना होगा कि उसका फलाने का बेटा एग्रीकल्चर में बीएससी करके बैंक ऑफिसर बन गया है ना, तो वो जो एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होते हैं हमारे, ठीक है, कृषि अधिकारी जिसको हम कहते हैं, AO EO बनते हैं, ठीक है, AO हो गया, डबल ए हो गया, क्या हो गया, कृषि अधिकारी। तो ये सब बनकर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने कृषि क्षेत्र में इन चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि इन सब का काम क्या है, मानव संसाधनों को बढ़ावा देना, मानव संसाधनों के लिए उनको बढ़ावा देना, ये कार्य होते हैं। इसके अलावा जितनी भी उर्वरक कंपनियां हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की हैं कंपनियां हैं, जैसे कि चंबल फर्टिलाइजर कोटा में है, इफको है, क्रिफको है, हम कहते हैं ना कि श्रीराम खाद है, यूरिया खाद है, तो जितनी भी उर्वरक की जो कंपनियां हैं, जितनी भी उर्वरक की कंपनियां हैं, इन सभी में भी हम क्या करते हैं, सस्य विज्ञान के रूप में, जो सस्य विज्ञान का जिसको नॉलेज है वो इनमें भी काम कर सकते हैं, इसमें भी अपने शोध अपने रिसर्च का काम करके वो इन चीज को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी हमारी कीटनाशी, जो कीटनाशी बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, कीटनाशी की फैक्ट्रियां जो होती है, फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह है, उनमें भी हम सस्य विज्ञान का योगदान होता है, ठीक है। और इसके अलावा पादप वृद्धि के लिए जितने भी जो हैं हार्मोन्स हो गया, ऑक्सीजन्स हार्मोन और ये सब जो हैं, है ना, और इन सभी रसायनों को बनाने वाली भी क्या होती है, फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पर भी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट या एग्रीकल्चर का ही व्यक्ति जो है काम आता है।
तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस व्यक्ति को सस्य विज्ञान की नॉलेज है, जो रिसर्च वर्क करता है, जो प्रसार का कार्य करता है, या फिर जो कृषि की शिक्षा क्षेत्र में है, वो इन सभी में क्या कर सकता है, इनमें नियोजन के रूप में उसका क्षेत्र होता है। ठीक है, वो शिक्षण का कार्य कर सकता है कृषि में, जैसे हम हैं, हमको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज है, हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, अनुसंधान का काम कर